दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल टारगेट विद अमित में। जी हां, हम बात करेंगे मार्केट मॉर्निंग बुलेटिन की। ये देखिए क्या है खास खबरें। यूपी टेट 2020 नोटिफिकेशन, शिक्षा मंत्री के साथ आज जरूरी मीटिंग। टेट 2020 मामले में मीटिंग, 22,000 सीटों पर निर्णय। जो भी मित्र चैनल पर हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आइए देखते हैं खबरें। ये देखिए टेट के संदर्भ में बैठक आज। जी हाँ, जूनियर एडेड, यूपी टेट और शिक्षक भर्ती के संबंध में होगी चर्चा। बाकी जो भी सूचना मिलता है जल्द सूचित किया जाएगा। चर्चा के रूप में मुख्य बिंदु यूपी टेट बनाया गया। शिक्षा मंत्री और सभी शासन स्तर के बेसिक अधिकारी रहेंगे मौजूद। रणनीति के हिसाब से आज थोड़ा बहुत खुशी हुआ कि हम सब द्वारा संघर्ष और विभाग में बनाए गए दबाव कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ रहा है। मनोबल और हौसला गिराना नहीं, बस हम सबको एकजुट होकर लड़ना है। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। रजत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष। देखिए क्या इसमें दिया है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा दिनांक 7/8/2021 को राज्य परियोजना कार्यालय बेसिक शिक्षा निदेशालय विद्या भवन निषादगंज में प्रथम तल स्थित सभागार में 11:30 बजे से एक बैठक आहूत करने के निर्देश दिए गए। देखिए मेन बिंदु क्या है जिस पर बैठक आज हुई है। जिले के भीतर शिक्षकों को समयोजन, यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता वितरण, टीटी परीक्षा, टैप फॉर स्कूल हेड्स, मृतक आश्रितों को संयोजन, शिक्षकों की प्रोन्नति, नई शिक्षा नीति क्रियान्वयन, विशेषकर प्री प्राइमरी स्कूल। कहीं ना कहीं जो सरकार अब जो है नेप के थ्रू, नेप 2000 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो है अब प्राथमिक में जो है जूनियर प्राथमिक में जो है प्री प्राइमरी लाना चाहती है। ये देखिए 22,000 सीटों की बात कर लेते हैं। आज हमारी हरदोई टीम के सक्रिय साथियों के सहयोग से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही श्रीमान जी को अपना मुद्दे का पुनः संज्ञान दिलाते हुए अपना ज्ञापन शासन को प्रेषित करने के बिल के, जिसमें श्रीमान जी ने आश्वस्त होकर तुरंत हमारे ज्ञापन में कुछ आंशिक संशोधन कराते हुए अपने कर्मचारी को शासन स्तर पर प्रेषित करने का आदेश दिया। देख लीजिए कि जो 68,500 की बची हुई सीटें हैं 22 से 23,000, उन्हीं पदों पर लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। जिनको लेकर भर्ती लगातार 44 दिन से लगातार धरना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक धड़ा कह रहा है कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई उसमें कहीं ना कहीं 22,000 सीटें जुड़े। एक धड़ा कह रहा है कि नहीं, आप उसको नई शिक्षक भर्ती में जो है जोड़ के पद दे। देखिए लेटर है, महोदय 1,37,000 पदों के भरने के अनुक्रम में इन्होंने बताया कि हम 60-65 पे पास हैं। लगभग 1,41,000 अभ्यर्थी जो है 69,000 में पास हुआ था, लेकिन अभी भी सीटें रिक्त हैं 68,500 की। तो कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थी का कहना है कि हमारा जो है हम सरकार के मानव कटाप के दायरे को पार कर रहे हैं, तो सरकार जो है 22,000 सीटों को जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़कर हमें नए सिरे से नियुक्ति प्रदान करे। हालांकि देखिए शासन स्तर पर एक बार बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने साफ साफ स्पष्ट किया है कि ये सीटें नहीं जुड़ सकते हैं, दोनों भर्तियाँ अलग हैं, लेकिन अभ्यर्थी तब भी लगे हो, देखिए क्या होता है इसमें। विशेष सचिव प्रभुनाथ पर भर्ती धांधली मुकदमा। जी हाँ, UPPSC का मामला है, APS भर्ती 2010 का मामला है। इसमें जो है 331 ऐसे अभ्यर्थी थे जो परीक्षा में पास भी नहीं थे, अयोग्य भी नहीं थे, हालांकि उनको जो फाइनली मेरिट आई है उन पर उनका चयन हुआ है। इसलिए जो विशेष सचिव हैं इस वक्त PWD विभाग में कार्यरत हैं, उनके ऊपर जो है CBI ने मामला, भर्ती की धांधली के मामले में CBI ने केस दर्ज किया दिल्ली में। TGT 2021 परीक्षा। जी हाँ, 28 केंद्रों पर होगी परीक्षा। 7,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। कोविड गाइडलाइन का सख्ती से होगा पालन। जी हाँ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के TGT 2021 की लिखित परीक्षा शुरू हो गई। परीक्षा 2 पालियों में शनिवार रविवार को आयोजित होगी। हर पाली में अलग अलग विषय की परीक्षा होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे होगी। परीक्षा सूबे के सभी जिला मुख्यालयों पर होगी। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 9 सितंबर को। जी हाँ, जिन्होंने JEE पॉलिटेक्निक का आवेदन किया था उनकी परीक्षा जो है 9 सितंबर को होगी। BEd प्रवेश परीक्षा में सालवर गिरोह का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार, प्रयागराज से 2 और मिर्जापुर से 1। पकड़ी गई सालवर युवती गाजियाबाद के निजी बैंक में कार्यरत, प्रतापगढ़ शामली में फर्जी प्रवेश पत्र से केंद्र में प्रवेश की कोशिश। देखिए कहीं ना कहीं सरकार जिन छोटे छोटे अभी तक क्या थे भर्ती पेपर आउट होते थे, लेकिन इस बार देखिए प्रवेश परीक्षा है, उसमें भी धांधली, उसमें भी सालवर बैठ रहे। कहीं ना कहीं सरकार की जितनी जो भी पॉलिसी हैं, कहीं ना कहीं सारी पॉलिसी पे जो है जो जुगाड़ वाले हैं सालवर गैंग, इन्होंने सेंधमारी करी हुई है। सिटी नर्सरी NTT और DPED प्रशिक्षण सत्र 2021 के लिए 10 से करें ऑनलाइन आवेदन। सिटी नर्सरी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और DPED प्रशिक्षण खत्म हुआ। सत्र 2017-18 से 2020 के सत्र को शून्य करते हुए सत्र 2021-22 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। इच्छुक अभ्यर्थी 10 अगस्त से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के पीएम मोदी जी ने कल ही ऐलान किया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब जो है मेजर ध्यानचंद के नाम पे जाना जाएगा। यहाँ के जादूगर कहे जाते हैं। डिग्री और डिप्लोमा वाले भी कर रहे हैं आवेदन। जी हाँ, जो ग्राम पंचायतों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है कंप्यूटर ऑपरेटर और हेल्पर को लेकर, उसमें जो है बीएड, बीटीसी, डीएलएड तमाम हाई फाई प्रोफाइल वाले भी आवेदन कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में देखा जाए बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि भर्ती को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। हालांकि इसमें साफ साफ कहा गया है कि आपके पास डिग्री डिप्लोमा चाहे जो आप जितना लगा दीजिए, लेकिन आपकी जो भी मेरिट बनेगी वो हाई स्कूल और इंटर के मेरिट को मिला के। तो कहीं ना कहीं जो है 2 अगस्त से फॉर्म चालू, 17 अगस्त तक फॉर्म जमा किए जा सकेंगे। जो भी लोग हैं जो इसमें फॉलो कर रहे हैं, इनके नियम में जो जाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी जो है अपना 17 तक आवेदन कर दें। जो भी मित्र चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।